गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ तो हमारा चैप्टर नंबर 12 है। इसकी एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चैप्टर्स नेम इज डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या होता है? दशमलव। यह मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था और इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको ये बताया था। पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको ऐड करना सिखाया था, ऐड द फॉलोइंग। और आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। बेटा प्लस करना है या माइनस करना है? सिंपल रूप से जिस प्रकार प्लस माइनस करते हैं वैसे ही करना है। बस हमको इतना ध्यान रखना पड़ता है पॉइंट वाले, ये डेसिमल वाले सब्ट्रैक्ट में या एड में, कि हमको करना पड़ता है बेटा कि जो संख्या है मतलब पॉइंट से पॉइंट यदि हम मिला देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर जो है वो सही आ जाता है। बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट से पॉइंट नहीं मिलाते हैं, इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स उनको इसमें होती है कि उनका जो आंसर है वो सही नहीं आता। प्लस माइनस तो करते हैं लेकिन आंसर जो है उनका करेक्ट नहीं आता। तो आज हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसमें हमको क्या करना है, माइनस करना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है 26.45 माइनस 18.37। सबसे पहले यहाँ पर उनको कॉलम में ऐड करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे। 26.45 माइनस कितने हैं बेटा, 18.37। बिल्कुल सिंपल रूप से अपन ने क्या करा, इसको कॉलम बना लिए हैं, पॉइंट से फिर पॉइंट मिलाएंगे, हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही से आ जाएगा। अब 5 में से 7 माइनस होंगे क्या? नहीं होंगे। 4 बारो 1, इसके पास कितने हो जाएंगे बेटा, 15। 15 में से कितने माइनस करेंगे हम, 7 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे बेटा, 8। 3, अब यहाँ पर कितने बचेंगे बेटा, 3। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। फिर वापस इधर देखेंगे बेटा, 6 में से 8 माइनस नहीं होंगे, 2 बारो 1। आंसर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, 16। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 8। और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.08 नहीं बोलते हम, आंसर क्या लिखेंगे बेटा, 8.08। ये हमारा आंसर आ जाएगा जब हम 26.45 में से कितने माइनस करेंगे, 18.37 को माइनस करते हो, हमारा आंसर क्या आएगा, 8.08। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 95.28। 95.28 कितने माइनस करेंगे, 7.96, इसको माइनस करेंगे, फिर वो बस पॉइंट मिलाएंगे, पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे, 8 में 6 माइनस करेंगे 2, 2 में से 9 माइनस नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, 5 बारो 1, इसके पास कितने हो जाएंगे 4, ये कितने हो जाएंगे 12, 12 में से 9 माइनस करेंगे, आंसर मेरा क्या आएगा, 3। यहाँ पर कितने बेटा, 4 है, 4 में से 7 माइनस नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, 9 बारो 1, तो 9 के पास 8 हो जाएंगे और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 14। 14 में 7 माइनस करेंगे 7 और यहाँ पर आ जाएंगे 8, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 87.32। ठीक है, बस पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे, ऑटोमेटिक बेटा जो सवाल हमारे वो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट में है बेटा 36.534 माइनस 4.717। 36.534 माइनस 4.717 माइनस करेंगे बेटा, 4 में से 7 माइनस नहीं होंगे क्योंकि 4 छोटे हैं, 7 बड़े हैं, 3 बारो 1, तो अपने पास कितने हो जाएंगे बेटा, 14। 14 में से 7 माइनस करेंगे 7, 2 में 7 माइनस करेंगे 1, फिर 5 में से 7 माइनस नहीं होंगे, 6 बारो 1, 15 कितने हो जाएंगे बेटा, 15। 15 में 7 माइनस करेंगे 8, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा, 3। मेरा आंसर क्या आएगा, 31.817। इसी प्रकार बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 217.82 माइनस 31.72। 217.82 माइनस 31.72।
टू में से टू को माइनस करेंगे जीरो, एट में सेवन माइनस करेंगे वन, सेवन में से वन माइनस करेंगे सिक्स, वन में से थ्री माइनस नहीं होंगे इसलिए क्या करेंगे टू बार ओ वन, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा इलेवन, इलेवन में से थ्री माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा बेटा मेरा एट, अब यहाँ पर कितने बचेंगे वन, आंसर क्या आएगा बेटा मेरा 186.10। बेटा जैसे मैंने ऐड करना बताया था आपको उसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एट में हम क्या कर रहे थे हमारा आंसर बढ़ रहा था, सब्ट्रैक्ट में हमारा आंसर क्या हो रहा है बेटा छोटा हो रहा है। नेक्स्ट बेटा 41.93 माइनस 21.85 41.93 कितने माइनस करेंगे 21.85। चलिए बेटा 3 में से 5 माइनस होंगे क्या, नहीं होंगे, क्या करेंगे 9 बार ओ 1 यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा 13, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 4 में से 2 माइनस करेंगे 0, मेरा आंसर क्या आएगा 20.08। आंसर क्या हो जाएगा बेटा मेरा 20.08। इसी प्रकार नेक्स्ट है बेटा 596.61 माइनस 515.67, तो 596.61 माइनस 515.67 क्या करेंगे बेटा, वन में से सेवन माइनस होंगे क्या, नहीं होंगे, पॉइंट लगाएंगे पहले तो वन में सेवन माइनस नहीं होंगे क्योंकि वन छोटे हैं सेवन बड़े हैं, हम क्या करेंगे सिक्स बारो वन कितने हो जाएंगे बेटा इलेवन, इलेवन में सेवन माइनस करेंगे फोर, अब यहाँ पर कितने बचेंगे बेटा फाइव, फाइव में से सिक्स माइनस नहीं होंगे क्या करेंगे सिक्स बारो वन कितने हो जाएंगे बेटा फिफ्टीन, फिफ्टीन में से सिक्स माइनस करेंगे नाइन, अब यहाँ पर कितने बचेंगे बेटा फाइव, फाइव में से फाइव माइनस करेंगे जीरो, नाइन में से वन माइनस करेंगे एट, और फाइव में से फाइव माइनस करेंगे जीरो, आंसर क्या हो जाएगा 80.94। नेक्स्ट है बेटा 287.4 माइनस 37, बेटा यहाँ पर पॉइंट स्पेशल ध्यान रखना है हमारे को कि संख्या में पॉइंट है या नहीं है, यदि पॉइंट नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगी और यदि पॉइंट वाली संख्या रहती है तो राइट हैंड साइड जाती है, तो 287.4 कितने माइनस करेंगे बेटा 37 माइनस करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसलिए जीरो लगा देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे फोर के फोर आ जाएंगे, सेवन में से सेवन माइनस करेंगे जीरो, एट में से थ्री माइनस करेंगे फाइव, और यहाँ आ जाएंगे टू, मेरा आंसर क्या आएगा 250.4। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 0.586 माइनस 0.23, तो 0.586 माइनस 0.023। अब बेटा यदि यहाँ पर 0.86 लगा रखा है तो बेटा इसका आगे हम जीरो भी लगा लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस करेंगे सिक्स में से थ्री माइनस करेंगे थ्री, एट में से टू माइनस करेंगे सिक्स, यहाँ पर आएंगे फाइव, पॉइंट लगाएंगे और जीरो, तो आंसर क्या आएगा बेटा हमारा 0.563। समझ में आ रहा है बेटा, भले आगे जीरो की मैंने बताया था कि जीरो की वैल्यू नहीं होती है, जीरो की वैल्यू कब होती है बेटा जब वो किसी संख्या के पीछे लगते हैं तो उसकी जो एक जीरो लगता है तो सामने वाली संख्या कितने बढ़ जाती है बेटा 10 गुना बढ़ जाती है, टू जीरो लगा देंगे तो 100 गुना वैल्यू हो जाती है, और यदि हम थ्री जीरो लगा देते हैं तो 1000 गुना जो है रहता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। बेटा इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 796.5 माइनस 30.5
फाइव, तो 796.5 माइनस 38.5 क्या करेंगे बेटा, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 6 में से 8 माइनस नहीं होंगे, 9 बारो 1 यहाँ पर हो जाएंगे बेटा 16, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, अब यहाँ पर कितने लेफ्ट रहेंगे बेटा 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 और यहाँ पर आ जाएंगे 7, आंसर क्या है बेटा, पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे 758.0 या केवल 758, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होता, पॉइंट के बाद लगा हुआ है। अब यहाँ पर रखा है 7.89 माइनस 0.27, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और आंसर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 7, आंसर क्या आएगा बेटा 7.62। इसी प्रकार बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36.36 माइनस 5.45, तो 36 लिखेंगे क्योंकि उसके बाद पॉइंट में कुछ भी नहीं है, माइनस लिखेंगे 5.45। अपन क्या करेंगे यहाँ पर बेटा दो जीरो लगाएंगे क्योंकि बेटा अब हमारे जो डिजिट्स है वो कंप्लीट जाएंगे। अब बेटा 5 जीरो में से 5 माइनस नहीं होंगे, यहाँ पर भी जीरो है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वाले 6 से एक उधार लेंगे। अब इसके पास कितने हो जाएंगे 10, जब ये एक इसको उधार दे देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे 9, और 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, अब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो बेटा यहाँ पर आ जाएंगे बेटा 5, अब 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 और यहाँ पर आ जाएगा 3, आंसर क्या आएगा बेटा बरा 30.55 बेटा। सबसे पहले हमको ये भी ध्यान रखना है कि संख्या के पीछे पॉइंट लगा है या नहीं लगा है, चूँकि अभी हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं है, तो हमने क्या करता बेटा यहाँ पर पॉइंट लगाया था, उसके बाद क्या करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर टू डिजिट्स है तो माइनस करना ज़रूरी है, इसलिए हमने पॉइंट के बाद लगा के 200 लिख दिए। चलिए इसी प्रकार यहाँ पर रखा है 89.6 माइनस 24.343, सेम प्रॉब्लम्स इधर भी क्रिएट्स हो गई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले कितने जीरो लगाएंगे, 20 लगाएंगे, 10th 100,000 और यहाँ पर केवल ओनली 10th था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 20 लगा के जो हमारी संख्या है उसको कंप्लीट कर लेंगे, इक्विलिन कर लेंगे। अब 3 में से 0 में से 3 माइनस नहीं होंगे, यहाँ पर भी 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ये वाला 0 है किससे उधार लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेके इसको देगा, और 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे बेटा 7, अब यहाँ पर कितने लेफ्ट हैं 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, अब इसके पास कितने बचेंगे बेटा 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, मेरा आंसर क्या आएगा बेटा 65.257। इसी प्रकार नेक्स्ट है बेटा 896 माइनस 3.45, तो 896 लिखेंगे माइनस कितने बेटा 3.45, पहले तो पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे, अब यहाँ पर नहीं है इसलिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि माइनस करना है इसलिए ऑलरेडी हम क्या करेंगे 20 लगा देंगे। फिर वही प्रॉब्लम है यहाँ पर 5 जीरो में से 5 माइनस नहीं होंगे, यहाँ पर भी 0 है, तो ये वाला 0 किससे उधार लेगा 6 से उधार लेगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 10, जब ये एक इसको उधार दे देगा तो इसके पास कितने बचेंगे, इसके पास 9 बचेंगे, इसके पास कितने हो जाएंगे 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ पर भी आएंगे बेटा 5, पॉइंट लगाएंगे, अब यहाँ पर कितने बचेंगे बेटा 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, यहाँ पर आएंगे 9, यहाँ पर आएंगे 8, मतलब 896 में से अपन 3.45 माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा बेटा 892.55।
इसी प्रकार बेटा 61.68 माइनस 2.4 68.61 माइनस कितने बेटा 2.4। यदि बच्चे हम क्या करते हैं बेटा, सबसे मेन प्रॉब्लम रहती है वो 4 को उधर ले जाते हैं, इसलिए जो है इनका सवाल जो है सही नहीं होते हैं। तो बेटा पाइंट के नीचे टेंथ के नीचे टेंथ लिखेंगे, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड लिखेंगे और थाउजेंड के नीचे थाउजेंड वाली संख्या लिखेंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे बेटा हम जीरो, वन में से जीरो माइनस करेंगे वन, सिक्स में से फोर माइनस करेंगे टू, एट में से टू माइनस करेंगे सिक्स, और यहाँ पर आ जाएंगे बेटा सिक्स, तो मेरा आंसर क्या आएगा 66.21। इसी प्रकार नेक्स्ट है बेटा 8.83 माइनस 3.17, तो यहाँ लिखेंगे बेटा 8.83 माइनस 3.17। अब बेटा 3 में से 7 माइनस होंगे क्या? नहीं होंगे बेटा, जब भी हम माइनस करते हैं तो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को माइनस किया जाता है। अब 3 में से 7 माइनस नहीं होंगे तो अपन देखते हैं 8 बारो 1, यहाँ पर हो जाएंगे बेटा 13, 13 में से 7 माइनस करेंगे कितने हो जाएंगे बेटा 6, 7 में से 1 माइनस करेंगे यहाँ पर भी आ जाएंगे 6, और 8 में से 3 माइनस करेंगे 5। आंसर क्या आएगा बेटा मेरा 5.66। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 44.841 माइनस 2.316, 44.841 माइनस 2.316। जब तक बेटा आपने यदि पॉइंट से पॉइंट नहीं मिलाया है, हमारा सवाल जो है करेक्ट नहीं होगा। अब क्या करेंगे, वन में से सिक्स माइनस होंगे क्या? वन में सिक्स माइनस नहीं होंगे, फोर बार वन कितने हो जाएंगे 11, 11 में सिक्स माइनस करेंगे कितने बचेंगे मेरे पास 5, थ्री में से वन माइनस करेंगे टू, एट में से थ्री माइनस करेंगे 5, पॉइंट लगाएंगे 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, और यहाँ पर आ जाएंगे बेटा 4। आंसर क्या आएगा मेरा 42.525। तो बेटा ये हमारे ये एक्सरसाइज थी 12.3 की, जो एक्सरसाइज सी थी, जिसमें कि हमको क्या करना था, इस वाली एक्सरसाइज में ऐड करना थे और सब्ट्रैक्ट करना थे। तो ऐड जो है अपन ने पिछले वाले वीडियोस में कर चुके हैं, और ये जो सब्ट्रैक्ट मैंने अभी हाल आपको बता दिए, निश्चित रूप से आपको सवाल समझ में आ गया होगा।